आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी की भाजी, जिसमें दो गड्ढी है मेथी है। अभी इसको सबसे पहले अच्छे से साफ कर लेना है। इस तरह से मेथी साफ कर लेना है तोड़ करके। इस तरह से ही सब मेथी साफ कर लेना है, ऐसा तोड़ करके छोटा छोटा। सभी मेथी तोड़ लीजिएगा और इसको कम से कम 3 पानी से धोना अच्छे से। ये बड़ा टप है, इसमें पानी भर के अच्छे से 3 पानी से धोने का है, तब ये साफ होएगा मेथी। ये देखिए, ये 2 पानी से पहले मैं उधर धो ली हूँ अच्छे से, ये 3रा पानी है। इस तरह से बड़ा बर्तन में पानी रख करके धो के ऐसा छलनी में छान लेना है टोकरी में। छान के हो गया, उसको हम इधर रख देंगे साइड में पानी गिरने के लिए। अब इसमें मेथी भाजी में ऐड करने के लिए, ये देखिए 1/2 किलो कम से कम मैंने बटाटा ली हूँ, इसको मैंने उबाल ली हूँ। उबालने से क्या थोड़ा छीलने में आसानी होता है इसके लिए। और इसमें ऐड करने के लिए मसाले में इधर क्रश किया हुआ लहसुन है इतना, और ये 5 मिर्ची कटी हुई है हरी मिर्ची, और ये 1/2 कांदा है कटा हुआ बारीक, ये बघार में जाएगा। और ये जो हरी मिर्ची है 3, ऐसे हम ऐड करेंगे टेस्ट के लिए, ये कच्चा जाएगा। अब मैंने टोप चला दी हूँ, टोप गर्म हो गया। अब इसमें अपने हिसाब से तेल ऐड करना है, कर लीजिए कितना तेल लगेगा उतना हिसाब से। गरम हो गया, थोड़ा सा हम भी ऐड करेंगे टेस्ट के लिए। जब तक गीला होगा तो हम बताता ये आलू है उबाला हुआ, इसको 4 टुकड़े में काट लेना है, इस तरह से 4 टुकड़ा कर लेना है। जो छोटा है उसको 2 ही टुकड़ा करेंगे, ज़्यादा बड़ा है उसको 4 टुकड़ा करेंगे। अब जीरा हो गया, जीरा पक गया, इसमें हम सब मसाले ऐड कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे इसको पकने के लिए, जल्दी से पक जाए, फौरन का भुनना है। और इधर बटाटा है मेरे पास, इसके हिसाब से नमक ऐड कर देना है। बटाटा में कितना नमक लगेगा उतना ऐड करना है, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि मेथी भाजी गल के थोड़ा सा हो जाता है, इसके लिए ज़्यादा नमक हो जाएगा। थोड़ा नमक हल्का हो गया भून के, इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू भून के पहले थोड़ा निकाल लेना है। इसमें
इसमें हम थोड़ा सा नाम के लिए सूखी मिर्ची है पीसी हुई, थोड़ा सा टेस्ट के लिए एक छोटा चम्मच है, थोड़ा सा ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। थोड़ी सी काली मिर्च जीरा पीसा हुआ ये ऐड कर देंगे, इसको ढक्कन डाल के छोड़ दूंगी। अभी आलू भून के हो गया, इसे हम निकाल लेंगे इस बर्तन में। ये मेथी है, मेथी हम इसमें अपने ऐड कर देंगे। मेथी के लिए नमक ऐड करेंगे, तो 2 मिनट के लिए ढक्कन डाल के छोड़ देंगे। अब ये देखिए ये मेथी की भाजी हमने को तैयार होने को आई। अब ये बटाटा है जिसमें ऐड कर देंगे, भुना हुआ बटाटा है, और के लिए हम छोड़ देंगे मेथी भाजी में, 1 मिनट के बाद में देखेंगे। ये देखिए भाजी बन के हो गई तैयार, इस तरह से मिला लेना है आराम से, आलू टूटने ना पाए। भाजी देखिए बनके तैयार हो गई, अब हम चूल्हा बंद कर देंगे, एक बोल में सजा लेंगे। खुशबू माशाल्लाह अच्छी आ रही है, मेथी की भाजी के साथ रोटी बनके है तैयार। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।